हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप किसी भी ओल्ड लेगिंग से एक नया श्रग बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक लेगिंग्स लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे जिस हिसाब से वीडियो में है। फिर जो कोना हिस्सा है लेगिंग्स का, वहाँ पर हम एक एक इंच दोनों साइड मार्क करेंगे। दोनों जगह पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम दोनों लाइंस को जॉइंट कर देंगे। मगर अगर आपको चाहिए आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और अपने हिसाब से एक छोटा सा राउंड बना देंगे। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद हम उसे कैंची की मदद से काट लेंगे उस हिस्से को। तो खोलने के बाद हमारी लेगिंग्स कुछ इस तरह दिखेगी। अब हम ऊपर के कपड़े को बीच में से काटेंगे। ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ ऊपर के कपड़े को काटना है, ना कि दोनों कपड़ों को काटना है। तो काटने के बाद हम हमारी श्रग्स की ओपनिंग को कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई मार देंगे, ताकि ये नीट दिखे। हम ये स्टेप हमारे गले पे भी यूज करेंगे। अब हम हमारी आस्तीन की लंबाई को देखेंगे। तो मुझे चाहिए था 16 इंचेस, तो गला जहाँ खत्म होता है वहाँ से मैं 16 इंचेस मार्क करूँगी और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद उस हिस्से को काट दूंगी। अगर आपको चाहिए आप फुल स्लीव भी रख सकते हो। नॉर्मली फुल स्लीव 22-23 इंचेस की होती है, तो आप वहाँ तक भी मार्क करके काट सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी श्रग की कटिंग हो चुकी है और ये पूरा रेडी है। हमारा श्रग रेडी। आप इसे किसी भी ब्लैक या व्हाइट टी शर्ट के साथ कैरी कर सकते हो, या किसी भी लंबी कुर्ती के साथ कैरी करेंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।